अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आपका लाइव विद मरियम में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे। तो आज है वलीमे का दिन। माइयों मेहंदी और बारात के फंक्शन हमने अटेंड कर लिए, तो माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया। तो आज है वलीमा, तो वलीमे पे मैं जा रही हूँ रेडी होके। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरी इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ सन्ने वाली हर न्यू वीडियो तक पहुँचेगी। और मेरे इंस्टा लाजमी फॉलो करें, ऊपर आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे दोनों इंस्टा के। तो सबसे पहले मैं क्या करने लगी हूँ, मैं जा रही हूँ अम्मी के पास। तो अम्मी से मैंने एक लाजमी बात करनी है, फिर उसके बाद मैं रेडी होती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ कि आज मैं क्या पहन के जा रही हूँ। जो से मैंने शॉपिंग की थी अपनी फ्रेंड के साथ, उसमें से मैं एक मैं सूट तो पहन चुकी हूँ बारात पे। जो दूसरा है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी कैसा है, क्योंकि आप लोगों ने मतलब ओपन मैंने करके दिखाया नहीं था आप लोगों को। तो आज आप देखिएगा, तो आप सबको वेट होगा कि मतलब मैंने अम्मी क्या शॉपिंग की थी। तो चलें, अब मैं चलती हूँ अम्मी के पास। चलें, तो मैं अम्मी के पास आ चुकी हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो अम्मी यहाँ पे रेस्ट कर रही हैं। तो अम्मी कह रही हैं कि ना मैं पहले थोड़ा रेस्ट कर लूँ, फिर उसके बाद ना वलीमे के लिए मैं रेडी होती हूँ, है ना अम्मी? क्योंकि पहले मैं होती हूँ, फिर उसके बाद मम्मी को करती हूँ। तो अम्मी अब थक चुकी है ना, बीच में इतने गैप भी थे 2 दिन का, है ना? नहीं, अब भी रेस्ट की है एक दिन। हाँ, तो 1 दिन का गैप वलीमे का था, बारात में 2 दिन के गैप थे। तो फिर अम्मी अब क्या करें, मतलब सबसे पहले मैं ना अपने ना मतलब बाल वॉश करती हूँ। कौन सा शैम्पू लाई है? तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा शैम्पू है, बहुत ही बेहतरीन शैम्पू है, बहुत ही बेस्ट। दिखाऊँ मैं? चलो ऑर्डर दिखाओ। भी मैंने मंगवाया है, तो बहुत ही बेस्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ। नाम क्या है इसका? नाम है पेल एंटी हेयर लॉस शैम्पू। दिखाऊँ मैं? अगर अच्छा होगा फिर मैं भी यूज़ करूँगी। अम्मी भी यूज़ करेंगी, और अम्मी मुझे कहती थी कि मेरे बाल वैसे गिरते हैं, तो मैंने कहा अम्मी आप भी यूज़ करें, तो बहुत बेस्ट है शैम्पू। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी वॉशरूम में जाके आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ कर रही हूँ आजकल। तो चले जी, वॉशरूम में मैं आ चुकी हूँ। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कौन सा शैम्पू आजकल यूज़ कर रही हूँ। और अभी तो मेरे बाल काफ़ी ख़राब हैं, क्योंकि बारात पे मैंने जूड़ा बनवाया था अम्मी से, तो बाल काफ़ी मेरे रफ हुए हैं। तो पहले मैं से वॉश करूँगी, फिर उसके बाद मैं ना रेडी होती हूँ। अभी नहीं, पहले मैं बालों को सेट करती हूँ, क्योंकि आज मैंने बालों का स्टाइल कोई नहीं बनाया, सिंपल बाल रखने हैं। तो इसलिए मैं बालों को वॉश करके इसे ड्राई करके स्ट्रेट करूँगी। तो ये देखिए, मैं ये वाला शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, पेल एंटी हेयर लॉस शैम्पू है, बहुत ही बेस्ट शैम्पू है। कि बस कि मैंने इतने शैम्पू यूज़ किए कि मेरे बाल ना मतलब गिरते भी थे और बाल इतने रफ हो गए थे, जैसा कि आपको पता है। तो मैं ना ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। तो चलो मैं अपने बालों को वॉश करती हूँ और अपना रिव्यू देती हूँ शैम्पू का। तो शैम्पू बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मैं पहले आपको कह रही हूँ। तो बस आपको दिखाती हूँ मैं कि किस तरह मैं यूज़ करके और किस तरह मेरे बालों की लुक आती है। चलें, तो हाँ जी, शैम्पू मैंने अपना यूज़ किया है और रिव्यू आप देख सकते हैं। तो कैसे लग रहे हैं मेरे बाल, अम्मी बताएं। पहले से ज़्यादा घने हो चुके हैं ना? बहुत घने और वो स्ट्रेट लग रहे हैं, बड़े प्यारे सीधे। तो जब मैं से यूज़ करती हूँ ना, एक माह हो गया मैं से यूज़ कर रही हूँ, जब इसे मैं यूज़ करती हूँ ना, तो मेरे बाल ना इतने मतलब खुद ही स्ट्रेट हो जाते हैं, ऐसे सीधे के कुछ होते हैं ना बाल, ऐसे उलझे हो जाते हैं। ये शैम्पू इतना अच्छा है ना कि मतलब जिसके बाल गिरते हो ना उसके लिए बेस्ट है, और बालों में खुश्की हो, कोई ऐसा मसला हो ना, तो ये शैम्पू यूज़ करो तो ना कोई आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। चलो फिर मैं अभी करके देखूंगी। तो मम्मी के भी बाल इतने गिरते हैं, तो मम्मी कह रहे हैं, तो मम्मी को कह रही थी यूज़ करें, मैं कहती पहले तुम यूज़ करके देखो क्या रिजल्ट आता है। तो मम्मी रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया, देखे आपने? हाँ, बाल तो बड़े प्यारे लग रहे हैं, लेकिन मरियम ये कलर का मसला है, कलर सही करवाओ। कलर बहुत लाइट हो चुका है, मैं इसलिए नहीं करवा रही थी कि ना मुझे पहले भी ना मसला हो गया था, कलर मेरा ठीक नहीं हुआ था, तो मैं इस वजह से इस डर की वजह से मैंने कलर नहीं करवाया दोबारा से। तो मैं सोच रही हूँ ना इसको खत्म कर दी ना, उसके बाद मैं ना कोई अच्छा सा कलर करवाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, अम्मी मेरे साथ जाएंगी कलर करवाने। हाँ, हाँ क्योंकि अगर पहले ना इसने करवाया था, गलत हो गया था। तुम हाँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये है शैम्पू पेल एंटी हेयर लॉस शैम्पू, ये देखें। आप इसे यूज़ करें, आप ऑर्डर पे मंगवा सकते हैं, मेरा नाम यूज़ करेंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा। इनके इंस्टाग्राम का पेज का लिंक मैं मेंशन कर रही हूँ, जाके आप देख सकते हैं, इनके पेज को जाके फॉलो करें और विजिट करें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है। क्योंकि मैं इतने शैम्पू में यूज़ करती थी ना, तो मेरे बाल कभी इतने प्यारे नहीं हुए, रफ हो जाते थे बाल। आजकल लोग भी मुझे कह रहे थे बड़े तुम्हारे बाल इतने रफ हैं, तो आप ठीक करें। तो जब मैंने ये शैम्पू यूज़ किया है ना जब से, तो मेरे बाल ठीक हो गए हैं, और इंशाल्लाह कलर भी बहुत जल्द आपको चेंज मिलेगा। तो बस, तो हाँ जी, जो मैंने दूसरा सूट लिया था वो ये है, अपने फ्रेंड के साथ लिया था। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत ये मैक्सी है, ये देखें।
इस तरह बनी हुई है इसकी बाजू, और साथ ही इसका ट्राउजर है, ये दुपट्टा है साथ नेट का ऐसे। और ये देखें कानों में मैं ये पहन रही हूँ, ये मुझे पिया रहा है M.I फैशन कलेक्शन की तरफ से। तो ये देखें, तो यहाँ पे मेरी वीडियो एडिट हो रही है बारात की, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आज ही वीडियो अपलोड करनी है, तो साथ साथ मैंने तैयार भी होना है, तो साथ साथ दोनों ये काम हो रहे हैं इस टाइम। बस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है, तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि जब मैं पहनूंगी कैसे लगती हूँ। तो अब ना मेकअप स्टार्ट करती हूँ मैं, क्योंकि लाइट जाने वाली है। लाइट जाने से पहले पहले मैं अपना मेकअप कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि अब बहरिया में भी लाइट जाती है। तो बस अब मैं रेडी होती हूँ। तो अम्मी पहन रही है ये वाला सूट, पीछे है प्रेस कर दिया मैंने, तो अम्मी ने बच्चों को पकड़ा हुआ है, तो मैं अम्मी को कह रही हूँ अम्मी आप रेडी हो जाएं, लाइट चली ना जाए। अम्मी कहती नहीं, मैंने बच्चों को पकड़ के रखना है अभी। देना कमीज पे वो छोटे हाँ पड़ जाएंगे ना। है ना, हाँ और आज चीटा बाबा बैठा हुआ है, आज इन मॉल में कौन सा सूट पहनना है? मैंने मैच ही पहनी है हाँ, आज, सबने मैच ही पहनी है। सबने, हाँ मेरी फूफो ने भी पहननी है? हाँ नहीं, सबने तो नहीं पहननी, सरप्राइज है, कोई डिफरेंट है, मम्मा ने डिफरेंट चीज पहननी है आज। मैंने तो प्यारी सी मैच ही पहनी है। हाँ अच्छा, मम्मा का वेट हो रहा है? चलो ठीक है, मम्मा मम्मा को मैंने फोन किया, मम्मा कहते हम आ रहे हैं, वो कह रही है कि ना मरियम आप रेडी हो जाएं, और अम्मी को भी कह रही है, तो अम्मी रेडी नहीं हो रही, मेरा कहना नहीं मान रही। कल मैंने अम्मी को इतनी जल्दी रेडी कर दिया था, आज अम्मी लेट हो जाएंगी मुझे लगता है। कल ना वो बारात थी ना, हाँ आज आधा घंटा लेट भी लेंगे तो कोई बात नहीं है, हमेशा ना टाइम से पहले निकलना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ रास्ते में हो जाता है, ट्रैफिक भी जाम हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, इसलिए अल्लाह मैं तो हैरान करे, हमेशा ना पहले निकलती हूँ, हर काम जल्दी करना चाहिए। अल्लाह हैरान करे, हर पासे हैरान करे। अब जैसे ही ना मम्मी अभी आती है, फिर अम्मी रेडी होती है, यही हो सकता है ना? हाँ वो जान को पकड़ लेगी ना फिर अच्छा ठीक है, तो अनमोल का हेयर स्टाइल किसने बनाना है आज, मम्मा ने। मम्मा ने कि दादू ने कि मेरी पप्पो ने? अब देखते हैं कौन बनाता ना है। ना मैं ये मुफ्फ बना लूँगी इसका ना, ऐसे करना ये सामने से ना इसकी ना ऐसे बैक कमी थोड़ी सी करके ना ऐसे तो बाल बना लो, मम्मा ठीक बताएंगी है? क्या करना है, मम्मा हाँ मम्मा बताएंगी। है बताएगी आप। चलो ठीक है, मैं रेडी होती हूँ फिर उतनी देर। तो ड्रेस मैंने अपना चेंज कर लिया है, तो आज मैं मेकअप करूंगी लाइट लाइट, क्योंकि अभी रोज मेकअप करने के मैं थक चुकी हूँ, है ठीक ना? है ठीक तो है, आज लास्ट है, तो बस उसके बाद हम रेस्ट करेंगे। मैं ज्यादा मेकअप नहीं कर सकती, मेरी स्किन खराब हो जाती है, ये मसला है, तो इसलिए मैं सलून से मेकअप नहीं करवा रही, अपना खुद कर रही हूँ लाइट सा, हाँ आज भी एलर्जी लाइट हो सा, जाती है। ठीक है? अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, बस चलो। तो मेकअप मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब मैं अपना हेयर स्टाइल आज खुद बनाऊंगी और सिंपल सा बनाऊंगी, तो बस अब मैं स्टार्ट होती हूँ, चले। तो हेयर स्टाइल मैंने अपना बना लिया है, जिस तरह मेरा ड्रेस था उस लिहाज से मैंने अपना हेयर स्टाइल बनाया है आज। तो आप सब बताएं कैसा बनाया ये हेयर स्टाइल, डिफरेंट किस्म का बना लिया मैंने सिंपल सा, क्योंकि वलीमे पे सब सिंपल रेडी होते हैं, तो मैं किसी की भी शादी पे जाऊँ ना, वलीमे वाले दिन मैं सिंपल रेडी होती हूँ। अब बारी आती है नेल्स लगाने की, आर्टिफिशियल नेल्स हैं ये, तो मैं इसको लगा के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह लगाने हैं, जिस तरह मैं डेली लगा रही हूँ आजकल, इसको ओपन करते हैं। तो चलिए जी मैं लगा के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें मैंने यहाँ से पहले इसे ना, तो मैं ये लगाती हूँ इसको ना, बस हमने 30 सेकंड ऐसे दबा के रखना है ज़्यादा। तो इसी तरह मैं सारे लगा के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, एक एक नेल्स पे ना 30 सेकंड करना है, इसे प्रेस करके रखना है, ठीक है ना? तो ये देखिए नेल्स मैंने लगा ली हैं आज, मैंने कपड़ों के साथ ये वाले मैच किए हैं, क्योंकि सेम सेम मिलना मुश्किल था, तो मैंने ये मैच किए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं रेड कलर में, मुझे रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सोचा आज मैं ये लगा लूँ। तो अगर आप भी इस तरह के नेल्स लेना चाहते हैं तो ऑर्डर करें, इनके पेज का लिंक पर मैंशन कर रही हूँ कि इनके पेज पर जाएँ, फॉलो करें, विजिट करें पेज पर, बहुत प्यारे डिज़ाइन हैं, कलर्स हैं, जाके आप ओन नेल्स हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि 30 सेकेंड ना एक एक नेल्स को प्रेस करके रखना है, तो आपके इजीली लग जाएंगे और ना मतलब उतरेंगे नहीं। तो अम्मी कैसे लग रहे हैं हैंड आज? बहुत प्यारे बहुत प्यारे, रेड कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने रेड आज लगाए हैं। तो बस चलें अब मैं अपनी कंप्लीट लुक आपको दिखाती हूँ। तो अम्मी ने भी अपना सूट चेंज कर लिया है, अब अम्मी का मेकअप स्टार्ट होने लगा है, ये देखें आज अम्मी कह रही है अपनी बेस में खुद लगाऊंगी अपने हाथों से। चलिए अम्मी आप लगाएं, उसके बाद मैं आपको करती हूँ तैयार। अम्मी का मेकअप कंप्लीट हो चुका है आज, मैंने अम्मी को डिफरेंट मेकअप किया है, और कानों में इयररिंग्स भी डाल दी अम्मी को, और गले में आपने कुछ नहीं डालना, लाए क्यों? स्वेटर पहना है, स्वेटर पहने शॉल इसलिए। नहीं है, गले चले में कुछ नहीं पहनते, चले आप ना पूरी अब रेडी इतनी हो, जूती जवान नहीं हूँ पहने मैं, आप हैं? इतनी जवान नहीं हूँ, गले में भी कुछ पहनूं। नहीं अभी आपको पता है जवान लोग इतना नहीं पहनते, जो होते हैं ना एजिड लोग, तो ज्यादा गले में कुछ पहनते हैं, पता है आपको, चेन वगैरह पहनते हैं आपके है पास। क्या पहनना, सर्दी लगती है, सारा चादर लेके तो बैठना है ऊपर। चले फिर जूती पहने और बस खड़े हो जाएं आप।
ये देखिए हमारी अनमोल कितनी काली लग रही है आज। अनमोल ने भी मैक्सी पहनी हुई है। मेरी फूफो देवी आज मैं पिंकी पिंकी लग रही हूँ। पिंकी पिंकी पीछे से कौपाल दिखाओ। चले चले अब हाँ। कहाँ जाना है? किसमें? अनमोल को कहाँ बड़ा याद आता है। रिसेप्शन। किसकी शादी है बताए आपको? पामू की। चलो चलते हैं। तो यहाँ पे अम्मी अपना दुपट्टा सेट कर रही हैं और अम्मी का कलर आज बहुत ही प्यारा है, बहुत पिस्ता कलर लाइट। और दिखाएं अम्मी, अब दिखा दें पूरा सूट, दिखाएं अपना कैसा लग रहा है आपको। जूती बदलनी है अभी, जूती भी चेंज करनी है अम्मी ने। चलो बस चले फिर चलते हैं। चलो फिर निकलते हैं। तो ये देखें मेरे लोग आज मलीमे की, तो मैं कैसे लग रही हूँ आयशा बताएं। आयशा मैं शूट कर रही है, जबरदस्त अच्छी लग रही है ना। तो आप देख सकते हैं ये भी ड्रेस है जो मैं अपनी फ्रेंड के साथ लेके आई थी। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बाद में दिखाऊंगी, तो आज आपने देख लिया है। और मुझे बताना है कमेंट्स में कहीं मैं कैसे लग रही हूँ इस कलर में और इस ड्रेस में। तो बस ये देखें, और बालों का हेयर स्टाइल भी मैंने अपना खुद बनाया, सिंपल सिंपल मेकअप भी कर लिया अपनी। तो मेरे नेल्स भी देख रहे हैं, मैंने इस कलर के लगाए हैं, इसके साथ मैच नहीं हो रहे थे, कोई और कलर नहीं था, मैंने कहा रेड लगा लूँ। ठीक है ना, रेड अच्छे लग रहे हैं ना। तो बस अब चलते हैं मलीमे के इवेंट में और जाके देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है, और बस निकलते हैं बस। चलो तो चलने से पहले आयशा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इयररिंग्स अच्छे लग रहे हैं मुझे इस पे सूट किए कि नहीं? मल्टी शेड है, ठीक है, मतलब शेड है इसका, मतलब मैचिंग हो रहे हैं, लेकिन इसके डिफरेंट है ये मुझे। तो चलिए जी, ठाक बहुत है, स्वेटर मैंने इतना पकड़ लिया, ये बहुत गर्म स्वेटर है आयशा पता है आपको, इसलिए मैंने पकड़ा। चलो नहीं, आज हम जल्दी पहुंचेंगे। जल्दी पहुंचो। कैसे कैसे लोग हैं आजकल? तो आज मैं मुंबई की जगह बैठने लगी हूँ जी, क्योंकि ज्ञान काम करता है ना, तो इस वजह से तो ज्ञान पीछे बैठेगा और मैं आज बैठ साथ बैठूंगी। आज चले मैं हूं और मैं पीछे बैठ रही। तो सब बैठ चुके हैं। तो चले जी, हम पहुंच चुके हैं रिसेप्शन पे। ये देखें बहुत ठंड है यहाँ। बस अब सबसे मिलते हैं, मतलब तीनों दिन आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं और हेयर स्टाइल भी आपका, ये आपका प्यार है और मेकअप भी कमाल का। मेकअप मैं खुद ही करती हूँ। हाँ मैं भी खुद ही करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बेटा? क्या हाल है आपका, कैसी तबीयत है? शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का करम। और आपके मामू? हाँ, मैंने आप मेरे ड्रेस पे जो काम हुआ है ना ब्लू कलर का, वो मैंने ड्रेस मैच किया साथ। अच्छा मैचिंग। हाँ अच्छा, ये है काम हुआ है ना। अच्छा ब्लू। हाँ ब्लू मैचिंग हुई है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? शुक्रिया का, आप सुनाए? ठीक मैं ठीक। और वो दूसरा कहाँ है? वो जरा शूट शूट हो रहा है, कह रहा है अपना जरा कमारा काम। अच्छा चलो ठीक है, बाकी सब तनी अभी कोई भी आया है ना? अभी सिर्फ आपकी फैमिली, हमारी फैमिली और मम और जो है लेट आ रहे हैं लोग आए हैं। हाँ वो सब समझ रही हैं आज हम लेट आना है, आज कुछ समझो नहीं है। गेस्ट आ चुके हैं, लेट हो गए हैं आप तो। वालेकुम सलाम, लुकिंग वेरी नाइस, वाओ वाओ वाओ, बहुत अच्छी लग रही है। वैसे भी हाइट लंबी हो ना, बहुत अच्छी लगती है। हाँ अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। अच्छा क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो बहुत प्यारी लग रही है यार, बिल्कुल बहुत ही प्यारी। थैंक यू बेटा, माशाल्लाह भी बहुत प्यारी लग रही। तो चले मिले यहाँ भाई से। वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। और ठंड का क्या हाल है? बहुत ज्यादा है। हाँ यहाँ पे बच्चों को देखे जरा क्या हो रहा है। अनमोल क्या कर रही है? इंजॉय कर रही है। और मेहरमा हाय, मेहरमा हाय कर दो हाय। तो यहाँ पे शूट हो रहा है बाबर और चलो अभी का। ऐसे कर दो ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। हाँ जी आप
माशाल्लाह से। हां जी वाह, लेकिन गुलाब भी रिपोर्ट रखे मोबाइल के अंदर। भाभी से वाह शुक्र अल्लाह का। तो आज हमारी मैचिंग हो गई है, बहुत प्यारी लग रही है। हाय मैं मर जाऊंगी मैं। गेस्ट आ चुके हैं, रिसेप्शन के गेस्ट। अम्मी आ चुकी है, इतनी लेट आप कहाँ थी अम्मी? है और क्या, अनमोल उदास हो गई थी। मैंने ग्लासेस लगा ली है। हाय चिट्टा पापा, आज चिट्टा पापा बड़ा प्रिंसेस लग रहा है मेरा। वाओ 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 वाओ। तो इन कपल नहीं, सिंगल है हम अभी तक। इन दोनों से तो आप मिल चुके हैं, आप पता ही होगा। और ये सेंटर में जो है, वालेकुम सलाम, मुझे तो कल पता चला है बरात वाले दिन कि ये भी मेरा कजन है। छुपा रहता कहती है। अच्छा माशा क्यूट बहुत है। शायद है, अब शायद आप खत्म हो जाएंगे जब YouTube के सामने आ जाएंगे ना वीडियो में, तो फिर सब कुछ हो जाएंगे। हम भी बहुत शायद थे। हाँ चले, एक और इनका भाई है, वो रिसेप्शन में बिजी है। आतिफ नाम है और इनका मोहसिन। तो आ चुके हैं आतिफ, आतिफ नाम है ना, क्या हाल है आपका? ठीक है शुक्र अल्लाह का। मैंने कहा मैं सबको बता रही हूँ कि बरात वाले दिन बस चला, ये भी मेरे कजन है। तो आप क्या तो जाने नहीं था, मैं तो आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? हमारा है इंटरनेट केबल का काम। अच्छा साथ में पार्ट टाइम फ्रीलांसर। आप भी शर्मिले हैं? हाँ मैं थोड़ा शर्मिले हैं। नहीं सब शर्मिले हैं, ऐसा ऐसा हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, तो यहाँ पे आशा की रील बनने लगी है। चलिए आशा स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करें। एक मिनट मेरी तरफ देखना है। चलिए आशा स्टार्ट करें, आप अपनी रील बनाना। पहले थोड़ा सा क्रीम है, ऐसा पीछे ले जाओ। तो शूट कर रहे हैं मोहसिन, ऐसा लग रहा है पता क्यों हो रहा है। ऐसे करते हैं, स्टार्ट।
तो यहाँ पे नमकीन चाय पी रहे हैं मामू और साथ अली और साथ अब मैं भी पीने लगी हूँ। कौन से पी रहे हैं, नमक वाले की चीनी वाली? मेरी मर्जी पी लो, ताड़े का चीनी भी पी नमक भी। मैं तो नमक वाली पीऊंगी। सही है, असली आप नमक वाली पीती हो, बड़ी मजेदार है। सब पी रहे हैं कश्मीरी चाय। कैसी चाय है, मजा क्या ना? मैंने पिया, बहुत मजे की, बहुत टेस्ट है। पिया मैंने अभी, हाँ बहुत मुझे टेस्ट लगी है। चलो 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 जाओ। अम्मी अम्मी ये मेरे संभाल के रखना मेरी जान। चलो चलो मरियम, चले मरियम, मरियम जो किसमें जाना है? बढ़िया, मैं अम्मी जा रही थी। चलिए आ जा। बाबर बाबर अपनी फैमिली को इकट्ठा कर थंबनेल लेना है। एक मिनट मैं मिलती हूँ दुल्हन और दूल्हे से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। और मैं सब्सक्राइबर ठीक है? ठीक है, बड़े खुश है। तो मैं किंजा भाभी से पूछती हूँ, सब पूछ रहे थे कि मरियम आप ना किंजा को किंजा कहते हैं कि भाभी, तो आज से मैं कहती हूँ किंजा भाभी। तो हमारे कजन आपको कैसे लगे?
कमाल के लास्ट लास्ट बहुत मासूम है हमारा कजन, बिल्कुल हमारी तरह शरीफ है, शरीफ लोग है। चले फिर ओके अल्लाह हाफिज़ समझाते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन। इसी के साथ इजाजत दें, बस यहाँ पे व्लॉग खत्म होता है। और मम्मी आपके साथ मुझे बहुत मजा आया तीनों दिन, आप तीनों दिन बहुत ही प्यारी लगी हैं। थैंक यू, लव यू। और ये थी दुल्हन की अम्मी, तो ये भी तीनों दिन बहुत ही खूबसूरत लगी है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी है और बहुत ही नाइस है। बड़ी जल्दी सबको अपना बना लेती हैं, हाँ बहुत सबको अपना बना लेती हैं अपनी क्लास से। तो अब हम जा रहे हैं, ये मेरे बच्चे भी कहते हैं कि मामा आप तो गाड़ी में भी कोई ना कोई अपनी फ्रेंड नाल के उठती है। आपका साइन क्या है वैसे, साइन स्टार नहीं पता हमारी जो बच्ची है वो बड़ी क्यूट है। हाँ बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है, मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त सबकी दोस्त बन जाती है इजीली, है ना, सबकी दोस्त बन जाती है, मेरी भी बन गई है। तो बस अपने टाइम काफी हो चुका है, हम जा रहे हैं, चल चलते हैं, ओके अल्लाह हाफिज़। तो इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर अच्छी लगी फिर भी लाइक करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ से हर न्यू वीडियो तक पहुँचेगी। और तुम्हें इंस्टा पे भी फॉलो करें, ऊपर आपका आईडी मिल जाएगा। तो अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तो अब कुछ दिनों बाद आपको मिलेगा मेरा व्लॉग, क्योंकि अब रेस्ट करना है, शादी अटेंड की है, तो ज़ाहिर ठंड भी थी और बस बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।